नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। मुंबई की मेयर किशोरी पेडणेकर जी ने एक बड़ा बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मुंबई में लग सकता है लॉकडाउन, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा पिछले 4 दिनों में कितने लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। मुंबई में पिछले 10 दिनों से लगातार कोरोना के केसेस में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है और इस समय जो आंकड़े हैं वो पिछले 9 महीनों में सबसे ज्यादा है। किशोरी पेडणेकर जी ने यह भी साफ साफ कहा कि केंद्र के नियमों अनुसार अगर 20,000 मामले हो जाते हैं तो मुंबई में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, यानी कि लॉकडाउन के लिए पूरी तरह से मुंबई का तैयार हो जाइए। आप देख सकते हैं 3,735 मरीज मौजूदा समय में हॉस्पिटल में एडमिट है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर किशोरी पेडणेकर जी ने अपने बयान में कहा कि आंकड़े अगर 20,000 पार होते हैं तो मुंबई में लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले ही स्कूल कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है। जी हां, स्कूल कॉलेजेस 31 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए मुंबई में। और आज जो है 4 अस्पतालों में 15% ज्यादा मरीज एडमिट हुए, जिसके बाद ये चिंता जाहिर की गई। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 20,000 के मामले के बाद यहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा।